Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishali Sharma. So today's topic is introduction to the Iu stream, C in C out, and end line. What are all these? Let's take a look. सो so, जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्राम्स में किया है हम कैसे इनपुट करवाते हैं और देन आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिलती है वो सब होता कैसे है मैंने आपको पहले भी बेसिक स्ट्रक्चर करवाया हुआ है प्रोग्राम का कि क्या सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम टॉप पे क्या लिखते हैं हेडर फाइल देते हैं क्या होती है हेडर फाइल? हेडर फाइल फाइल जो हम यूज करते हैं दैट इज दैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम क्यों लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम प्रोग्राम्स हम बनाते किस लिए हैं प्रोग्राम्स हम इसलिए बनाते हैं कि कोई पर्टिकुलर टास्क जो होता है वो हमें परफॉर्म करना होता है फाइन तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हम कुछ आउटपुट उसकी चाहते हैं स्क्रीन पे तो हमें कुछ इनपुट भी देनी पड़ती है कुछ हम इनपुट भी करवाते हैं उसमें तो उस इनपुट को करवाने के लिए फ्रॉम द कीबोर्ड और वो आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे चाहिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करते हैं सी प्लस प्लस की तो लाइब्रेरी है वो हम कैसे फेच कर सकते हैं सी प्लस प्लस से मतलब उसे यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में तो वो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेडर फाइल जो हेडर फाइल होती है हमारी hash include stream, उसे यूज करके हम इनपुट देते हैं और देन आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिलती है सो दैट्स वाई वी यूज दूड आयु स्ट्रीम अगर हम हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम यूज ही नहीं करेंगे प्रोग्राम में तो हम इनपुट दे ही नहीं ना हम इनपुट दे पाएंगे और ना हमें आउटपुट अपनी स्क्रीन पे मिलेगी दैट्स वाई वी यूज द हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम इन आर सी प्लस प्लस प्रोग्राम और हम हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम कहाँ पे यूज करते हैं हेडर फाइल होती है तो हम सबसे टॉप पे यूज करते हैं अगर हम उसे टॉप पे यूज कर लेंगे तो क्या होगा टॉप पे यूज करेंगे तो वो सारे जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड जो फंक्शंस होते हैं वो सी प्लस प्लस पे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे हमें कुछ भी इतना करने की नीड नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली जो भी फंक्शन होते हैं वो यूज हो जाते हैं हमारे प्रोग्राम में जब भी हमें इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमें यूज करनी है तो हमें हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम देना ही पड़ेगा अगर हम हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम नहीं देंगे तो हमारी जो लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जिससे हम इनपुट करवाते हैं और जहां पे हमें आउटपुट मिलती है तो वो नहीं मिलेगी हमारा प्रोग्राम ही रन नहीं होगा so that's why we have to use the hash include IO stream at the top of our program and that is called the header file now let's discuss what is the stdc out stdc out cout तो जो एस टी डी सी आउट हमने पहले भी यूज किया था जब मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो करवाया था उसमें हमने लिखा था एस टी डी सी इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन डबल और उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमें आउटपुट मिलती है टू द स्क्रीन तो इससे आप समझ ही रहे होंगे कि एस टी डी सी आउट का क्या यूज है एस टी डी सी आउट बेसिकली एक क्या है प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो हमें खुद डिफाइन नहीं करना है वो एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है जो कहाँ पे हमारी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी मतलब हमारे हेडर में प्री डिफाइंड होता है अगर हम हेडर दे दिया हमने हैश इंक्लूड आयुष्ट्रीम तो हम ऑटोमेटिकली सी आउट यूज कर पाएंगे तो उससे क्या होगा जो हमारी जो प्रिंट करवाना है हमें जो भी हम चाहते हैं हमारी आउटपुट पे जो हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो ऑटोमेटिकली उससे प्रिंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एस टी डी सी आउट तो एस टी डी सी आउट क्या होता है एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है जो किस लिए यूज होता है हमारे जो भी हमें मैसेजेस प्रिंट करवाने होते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैसेजेस ही प्रिंट करवाने हैं जो भी आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर देन डबल कोर्स में आपको मैसेज डालना है देन सेमी कॉलन और ये एक स्टेटमेंट बन जाती है विद हेल्प ऑफ सेमी कॉलन यू हैव टू टर्मिनेट दैट स्टेटमेंट और उससे क्या होगा जो भी आप उसके अंदर दोगे वो आपको ऑन द स्क्रीन शो हो जाएगा सो सी आउट का आपको मतलब समझ में आ गया और सी आउट स्टैंड फॉर करेक्टर आउटपुट मतलब जो भी आप उसमें लिखोगे वो आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगी टू द स्क्रीन सो ये काम होता है एस टी डी सी आउट का वो एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है इन द आईओ स्ट्रीम लेटस अंडरस्टैंड सी आउट विद दिल्प ऑफ अम लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज द एस टी डी सी आउट यहाँ पर मैं सिंगल लाइन कमेंट दे रही हूँ टू लेट यू अंडरस्टैंड की मैं सी आउट के बारे में बताने जा रही हूँ यहाँ पर मैंने एस टी डी सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ डबल कोर्ट्स में हेलो वर्ड दिया है देन रिटर्न जीरो टू रिटर्न टू द एडिटर एंड यहाँ पर मैं अब इसे रन करूँगी अब मैं इसे रन कर रही हूँ स्टार्ट विदाउट डिगिंग नॉट्स रनिंग आउटपुट मैंने दिए हेलो वर्ड वो हमें शो हो गई सी हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन वी कैन प्रिंट बोथ टेक्सट एंड वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा आप वेरिएबल भी प्रिंट करवा सकते हो आप टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हो सो लेट सी हाउ टू प्रिंट बोथ टेक्सट एंड वेरिएबल सो लेट सी हाउ टू प्रिंट बोथ टेक्सट एंड वेरिएबल सिंगल लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है और मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में मेन फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा है इंट एक्स x एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंट type दिस इज द वेरिएबल initialization और एस टी डी सी आउट में मैं क्या देने जा रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट भी दूंगी और मैं अपना वेरिएबल भी प्रिंट करवाऊंगी सो so यहाँ पे क्या करना है डबल कोट्स में मैं पहले टेक्स्ट दे दूंगी सो so, यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रही हूँ एक्स इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में एंड यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ हम इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं दूसरी बार यूज़ करके मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल भी दे दिया एक्स वेरिएबल सो लेट्स सी अब इसका क्या आउटपुट हमें मिलता है यहाँ पे मैंने बोथ टेक्स्ट और वेरिएबल प्रिंट करवाना है मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया नाउ मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट आउटपुट में एक्स इज और साथ होता है एंडल का मतलब होता है एंड लाइन जब भी सपोज कि हमें कुछ हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं ठीक है और हमें कुछ टेक्स्ट है जो हमें एक लाइन में चाहिए और कुछ टेक्स्ट है हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो कर्सर को मूव करने के लिए टू द नेक्स्ट लाइन वी यूज द एंड लाइन दैट इज द एंडल कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एस टी डी एंडल यूज करते हैं लेट सी हाउ टू यूज द एस टी डी एंडल इन अ प्रोग्राम नाउ लेट सी हाउ टू यूज द एस टी डी एंडल यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट दिया है कि कर्सर को कैफ से नेक्स्ट लाइन में मूव करना है अभी तो हेलो बाय मैंने लिखा हुआ है ये एक ही लाइन में आएगा ठीक है अब इसे बाय को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या एंटर कर रही हूँ एस टी डी एंडल एंटर कर रही हूँ सो दैट जो बाय है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो अभी देखते हैं हम प्रोग्राम रन करके कि क्या बाय हमारा नेक्स्ट लाइन में आता है तो यहाँ पे मैंने सी आउट दे दिया हुआ है बाय एस टी डी सी आउट तो देखते हैं अब नेक्स्ट लाइन में क्या ये हमारा आता है सुनाओ आई विल रन द प्रोग्राम लेट्स सी व्हाट द आउटपुट देखिए हेलो बाय नेक्स्ट लाइन में आ चुका है सो दिस इज द वर्क ऑफ एस टी डी एंडल कर्सर को मूव करने के लिए टू द नेक्स्ट लाइन आप एंडल भी यूज कर सकते हो और आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हो दोनों का सेम ही काम होता है इफ यू डोंट वांट टू यूज द एस टी डी एंडल यू कैन यूज स्लैश एन इन द सिंगल कोर्स उसका भी क्या काम होगा वो भी कर्सर को टू द नेक्स्ट लाइन मूव करेगा एंड जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा सो दिस इज द वर्क ऑफ स्लैश एन So let's see how to use slash and यहाँ पे मैंने slash and लिख दिया Hello के बाद देखते हैं हमारा next line में आता है मैं इसे रन करने जा रही हूँ सी द आउटपुट और आउटपुट में हेलो अलग से आया और बाय नेक्स्ट लाइन में मतलब कर्सर मूव हो गया सो नेक्स्ट इज वॉट इज एस टी डी सी इन एस टी डी सी इन क्या है का क्या मतलब होता है सी इन का मतलब होता है कि जो इनपुट हमें की से चाहिए जो हमें खुद टाइप करवाना है और जो हमें खुद इनपुट देनी है वो हम किसकी हेल्प हेल्प से से दे सकते की आप खुद इनपुट करवा सकते हो हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो सी इन क्या होता है ये भी एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं जब हमें खुद इनपुट करवानी होती है सी इन और सी इन में होता क्या है सी इन इज द करेक्टर इनपुट जब हमें इनपुट खुद करवानी होती है कीबोर्ड से देन वी यूज द सी इन और आप सी इन कैसे देते हो सी इन दोगे आप विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दोगे और जो भी वेरिएबल आपने यूज करा हुआ है आप उसमें डाल सकते हो वैल्यू और उसे स्टोर करवा सकते हो जहां पे आप अपनी वैल्यू खुद एंटर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड let's take a look how we use the stdc -IN, in c++ program so let's take a look how to use stdc in yahan pe maine single line comment diya aur yahan pe main main ki definition mein maine int type ka variable le liya hai x और यहाँ पे मैं brace initialization कर रही हूँ variable की जो मैंने आपको last video में बताया था एंड यहाँ पे मैंने दे दिया है stdc out मैं कुछ मैसेज देने जा रही हूँ मैंने लगा दिया इंसर्शन ऑपरेटर एंटर अ नंबर डबल कोर्स में एंड देन सेमी कॉलन और इसे मैं कीबोर्ड की हेल्प से करवाना चाहती हूँ एंटर दैट्स वाई एम गिविंग एस टी डी सी इन और इसकी वैल्यू मुझे किस में चाहिए जो मैंने वेरिएबल लिया हुआ है दैट इज दिस एक्स वेरिएबल अब मैं एक मैसेज दे रही हूँ एस टी डी सी आउट डबल कोड्स में यू एंटर्ड क्या आपने कौन सा नंबर एंटर किया मतलब काइंड ऑफ मैसेज में यहाँ पे आउटपुट जो मुझे स्क्रीन पे चाहिए वो मैंने दे दिया है और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल दे रही हूँ जिसमें मैंने वो वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवाई है सो so, इसे अब हम करेंगे रन यहाँ पे मैं दे दूंगी रिटर्न जीरो एंड देन सेमी कॉलन से मैंने अब रन किया लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट सो यहां पे मेरे को एंटर के लिए आ गया कि आप एंटर करिए नंबर मैंने नंबर एंटर किया सो so आप आउटपुट देख सकते हो कि मेरा जो नंबर मैंने एंटर किया है वो आ गया और जो यू एंटर था वो भी आ गया सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक थैंक यू सो मच काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस